और ये हम उसी कटोरी से जिससे हम ये मिल्क पाउडर लिए थे उसी कटोरी से हम ये एक कटोरी आटा डाल लेते हैं। गेहूं का आटा है ये, और गेहूं के आटे का आधा जो है इसी उसी कटोरी से गेहूं का आधा हम चावल का आटा डाल लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा हम 4 चम्मच तक घी डाल लेते हैं। ये देसी घी है, आप देसी घी डालिए 4 चम्मच। दिखाओ, ये मच घी डालिए हम और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और जिस कटोरी से आटा लिए थे, जिस कटोरी से हम मिल्क पाउडर लिए थे, उसी कटोरी से हम दूध लिए हैं। ये रूम टेम्परेचर पे है, सारा दूध नहीं लगेगा, हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंथेंगे। हम थाली को खूब बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको, मैंने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है। उसका रीज़न ये है कि मैं ये आटा गूंथ के रख दूंगी, रात भर मैं ये आटा मैं रखूंगी और फिर सुबह मैं बनाऊंगी इसका, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला। अगर आपको बेकिंग सोडा तुरंत बनाना है तो आप आराम से 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा आप आराम से लेके आप उसमें डाल के तुरंत गूंथिए, और आधे घंटे बाद आप आराम से बना लीजिए। लेकिन मुझे सुबह बनाना था, उतना जल्दी नहीं थी, तो हम इसलिए बेकिंग सोडा नहीं डाले हैं। तो ये हमने आटा गूंथ लिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। ये 1 चम्मच के लगभग हम इसमें घी डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट डो बन गया है और अब हम इसे सुबह बनाएंगे और इसे हम ढक के रख देंगे। और ये देखिए, ये हमारा सीरा तैयार हो रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और पकाएंगे, अभी ये ठीक से पका नहीं है तो इसे हम 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो ये हमारा सीरा लगभग तैयार हो गया है और इसमें चाशनी नहीं बनानी है हमें, थोड़ा सा हल्का सा एक पतला सा तार आ जाए। ये हमारा सीरा रेडी हो गया है और अब हम, सबसे बड़ी बात है कि मैं आधा काम रात को करती हूँ वीडियो वाला और आधा काम सुबह करती हूँ, क्योंकि एक साथ कई काम नहीं हो पाते हैं, खाना भी बनाना है। तो इस वजह से मैं ये 2 काम आटा गूंथ के और सीरा बना के मैं रख दूँगी और मैं वीडियो वो गुलाब जामुन मैं सुबह फ्राई करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, ये हमारा सीरा खूब आराम से अच्छे से पक गया है। ये तार नहीं बन रहा, आप ध्यान दे रहे होंगे, तार नहीं बन रहा, बस इतना ही सीरा मुझे चाहिए, मुझे तार नहीं बनाना है। और क्योंकि ये ठंडा होगा तो अपने आप और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए अब हम बंद कर देते हैं गैस को। और हमारी ये चाशनी एकदम रेडी हो गई है। गुलाब जामुन में थोड़ी पतली ही चाशनी अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी नहीं अच्छी लगती। अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये जो हम रात को आटा गूंथ के रखे थे वो कड़ा हो गया है, ये बहुत टाइट हो गया है। तो अब हम इसे निकाल के, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, ज़्यादा दूध डालना नहीं है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से दूध डालेंगे और इसे हम अपनी हथेलियों उंगली की तरफ से नहीं, हथेली से पूरा हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इससे ये जो होता है, हम इसे इसको हम ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे खूब बढ़िया से। हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और इसे हथौली के इससे इस चीज़ से हम इसे मलते जाएंगे और ये हम जब तक खूब अच्छे से मिक्स हो के सॉफ्ट ना हो जाए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना है कि हम तेल में डालें और वो बेकार हो जाए।
तो ये देखिए, ये हम आटा को एकदम सॉफ्ट डो बना लिए हैं। और ये देखिए, हम इसे तब तक मसलेंगे जब तक ये खूब अच्छे से गोल गोल ना होने लगे। और ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी फटा, देखिए ये देखिए, ये फटा हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे चाहे गोला बना लेंगे, जिस तरीके से भी आपका मन हो आप वैसे बना सकते हैं। तो हम पहले इसे छोटी छोटी लोइयाँ इसकी काट लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास ये एक चम्मच है, हम इसी की सहायता से इतने बड़े बड़े इसी को भर के हम लेंगे, ताकि ये हमारा जो गुलाब जामुन है ना बड़ा हो ना छोटा, एक साइज़ का एकदम फिट बने। और हम इसी तरह सारी लोई बना के रख देंगे। ये देखिए, ये हमने लोई काट लिया है। और ये हम सिरा, क्योंकि सिरा हम शाम को बनाए थे, तो सिरा हम एक बार बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये देखिए, आपका मन हो तो आप ये गोले में शेप में दीजिए, या मन हो तो आप इस तरीके से इतना ये इस आकार का दीजिए, वो आपके ऊपर, आपको जो पसंद हो आप वैसे करिए। तो अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी लोई बना के डाल देंगे। देखिए, अभी हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ, इसे हम 2 मिनट तक और गर्म होने देंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरीके से बना लिया है, और अभी इतना बाकी है। तो हम इसे आराम से आँच को कम कर देंगे, और फिर हम कढ़ाही में डालेंगे। थोड़ा बीच में जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए आप सारे उसको किनारे किनारे करेंगे, ताकि ये आराम से अच्छे से पक सके। और हम तेल को हिलाते रहेंगे, ताकि अपने से ही थोड़ा सा उलट पलट के ये अच्छे से सीखे। और आप ये जो कलर है, आप कम ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो ज़्यादा देर तक तलिए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि गैस को एकदम धीमी आंच करिए, क्योंकि ये अंदर से, ताकि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये आधा कच्चा आधा अंदर से खूब अच्छे से पकेगा नहीं। हम इसे लगातार इसलिए चलाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा पक जाए और एक तरफ ऊपर कम रहे, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये कलर चेंज हो रहा है। और ये एक ऐसी मिठाई है, आपको न तो खोआ बनाने का झंझट है, न तो जो कुछ भी है। इसमें जो हम चावल डाले हैं, उसमें हम आटा भी डाल सकते हैं, सॉरी आटा तो डाले ही हैं, उसमें हम सूजी भी डाल सकते हैं, जो आपका मन हो। चावल के आटे की जगह आप सूजी डालिए, और अच्छे से फूलेगा। ये कम से कम 8-9 घंटे, अगर हम नहीं 8-9 घंटे तो 3-4 घंटे हम भिगो के अगर रख देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि खोवा का गुलाब जामुन तो सब बनाते हैं, आज मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से गुलाब जामुन बना के दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको खिलाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट कलर में आ गया है। अब हम धीरे से इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने निकाल दी, सारा तेल अच्छे से निकल गया है, और हम थोड़ा सा पहले ही डाल दिए थे। और ये देखिए, हम इसे भी डाल देंगे। और अभी जो बचा हुआ है, हम उसे ही बनाएंगे, इसे हम अच्छे से भिगो देंगे। सिरा हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था,
ये गर्म रहेगा तो ही आपका सॉफ्ट हो पाएगा, और जब खाना हो तो आप थोड़ा सा गर्म करके आराम से खा मजा लीजिए। तो और जो बचे हैं हम उसे भी बना लेते हैं, और इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ये हम सारा बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई फिर से तलेंगे, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, और ये जो बचे हुए हैं हम फिर से इसे डाल देंगे। और ये हम सारा डाल दिए हैं, ये बीच में थोड़ा सा जल्दी पकने लगता है, तो इसलिए हम सारे को सबको ऐसे चला के किनारे कर देंगे, और इसे चलाते रहेंगे जैसे हम ये वाला बनाए थे। ये देखिए कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा। आपका मन हो तो आप इतना ही कलर कर रखिए, और नहीं तो आपको डार्क पसंद है तो थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए। हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसे थोड़ा सा हम गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे ताकि इसका कलर जल्दी से आ जाए, क्योंकि हम धीमी आँच पका रहे थे तो ये खुद बहुत अच्छे से पक चुका है। ये देखिए ये हमारा एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, और अब हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे हम 2 घंटे तक ऐसे ही भिगो देंगे। उसके बाद हम आपको काट के दिखाएंगे कि कितना अच्छा लगता है और कितना सॉफ्ट होता है। अब हम इसे 2 घंटे बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये 3 घंटे हो गए हैं, और आइए हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए दबाने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट कितना बढ़िया है। ये देखिए फ्रेंड ये कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया बना, आप खुद देख लीजिए ये कितना अंदर से रस ले लिया है। और जब भी हमें खाना हो हम हल्का सा गर्म कर लें, और ये सच में बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। आप देखिए एक बार आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये हमारा एक नई रेसिपी आपको कैसी लगी, नए तरीके से गुलाब जामुन हमने आपको बना के दिखाया है। आप लीजिए, आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिए ये आपके लिए है। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही घर की चीज़ों से हम अच्छे अच्छे सामान बना सकते हैं, और हम ये दिवाली का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय। और एक बात, अगर आपको अच्छे मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ तुरंत हमारे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्योर शाकाहारी रसोई में, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय।